हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 18 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक के टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर, यानी कि साप्ताहिक करंट अफेयर इस वीडियो में लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे 90 प्लस MCQ क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 17 सितंबर को मनाया गया है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मई 2019 में की गई थी, जब 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई पर प्रस्ताव WHO 72.6 को अपनाया था। तब से जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, उद्देश्य क्या है, ये हम देख लेते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य स्तर पर जो है गलत और असुरक्षित दवाइयों के चलते होने वाले नुकसान के बारे में भी जागरूकता और ज़रूरी कार्रवाई को बढ़ावा देना है। यानी कि किसी किसी पेशेंट को जो है ऐसा होता है कि गलत दवाई मिलने की वजह से उनकी तबीयत और ख़राब हो जाती है, उसे जो है जागरूकता लाना है उस विषय में, और रोगी सुरक्षा को बढ़ावा देना और रोगी के नुकसान को कम करना है। हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो एयर इंडिया ने शुरू किया है प्रोजेक्ट अभिनंदन। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। भारत की प्रमुख एयरलाइनों में से एक एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को व्यक्तिगत और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है, विशेष रूप से जो है सामान के मुद्दे पर प्रबंधन करना है। हाल ही में किस देश ने 12 सुखोई SU-30MKI खरीदने का फैसला लिया है? तो भारत देश ने लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स के लिए 12 सुखोई SU-30MKI खरीदने की अनुमति दे दी है। इन विमानों को भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जो है बनाया जाता है। हाल ही में भारत के किस IIT ने जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है? तो IIT कानपुर ने साझेदारी की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin ने शुक्रवार को राज्य भर से के सरकारी स्कूल में जो है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। नागपट्टिनम जिले में जो है कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए CM Stalin ने थिरुकुवल्लई के पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल में छात्रों के एक समूह के साथ भोजन किया और योजना का शुभारंभ किया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया? तो द्वारिका के जो है यशो भूमि को देश को जनता को जो है समर्पित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा शुरू की। इसके अलावा PM मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा की शुरुआत भी की। उन्होंने द्वारिका में यशो भूमि नाम की इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी कि IICC के पहले चरण और दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तारित खंड का जो है उद्घाटन किया। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। इकोनॉमिक के मोर्चे पर अच्छी खबर है। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। इससे पहले फिच ने भारत की ग्रोथ रेट 6% रहने का अनुमान लगाया था। पहली तिमाही में वृद्धि दर जो है बेहतर रहने के मद्देनज़र रेटिंग एजेंसी फिच ने जो है पूरी वित्त वर्ष के लिए भारत के GDP वृद्धि के अनुमान को बढ़ाया है। इससे पिछले वित्त वर्ष जो है 2022-23 में भारत की वृद्धि दर 7.2% थी, और वहीं जो है 2021-22 में देश की अर्थव्यवस्था 9.1% थी। और फिच ने कहा है कि 2024-25 और 25-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दर जो है
6.5% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समारोह में 70 पुरुषों और 14 महिलाओं सहित कुल 84 कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। सभी कलाकारों को पुरस्कार के तौर पर 1,00,000 रुपए की राशि के अलावा ताम्रपत्र और अंग वस्त्र प्रदान किया गया है। हाल ही में टाटा स्टील किस देश में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी? तो ब्रिटेन में करेगी। ब्रिटेन सरकार ने टाटा स्टील के वेल्स स्थित इस्पात संयंत्र में 1.25 अरब पाउंड के निवेश संबंधी साझा योजना का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार इसमें 50 करोड़ पाउंड का अनुदान देगी। हाल ही में कौन ऑडिट ब्यूरो का सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए हैं? तो एस के स्वामी जो हैं ऑडिट ब्यूरो के सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए हैं। स्वामी हंसा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीनिवासन के स्वामी को 2023-24 की अवधि के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि ABC का चेयरमैन चुना गया है। हाल ही में ICCR ने कहा वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है तो बिहार में किया गया है। राजगीर के नालंदा विश्वविद्यालय में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया था 15 सितंबर को। इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी सहित कई हस्तियां जो हैं शामिल थे इस प्रोग्राम में। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम जान लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है भारत का और विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। निर्माता कौन है? कुमार गुप्त प्रथम जी हैं, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माता। और स्थापित कब किया गया था? 5वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में की गई थी। संस्कृति जो है बौद्ध धर्म है। और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम देख लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ। तो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जो हैं, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कुमार गुप्त प्रथम के जो है प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर जो है लाडली बहना आवास योजना लॉन्च कर दी है। इस योजना में जो है लाडली बहना योजना के लाभार्थी को पक्के घर दिए जाएंगे। हाल ही में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक किस राज्य को फंड देगा? तो जो है ओडिशा राज्य को फंड देगा विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने आज भारत के राज्य ओडिशा को विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए गरीब और कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने में मदद करने के लिए 10 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्मकार को नार्वे मेडुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मधु भंडारकर को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए IB साथी की शुरुआत की है? तो इंडियन बैंक ने शुरुआत की है IB साथी। अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए इंडियन बैंक ने जो है आज IB साथी पहल शुरू करने की घोषणा की। इस पहल की शुरुआत इंडियन बैंक के प्रथम निदेशक और CEO SL जैन ने की है। बैंक ने कहा कि IB सस्टेनेबल एक्सेस एंड एलाइनिंग
टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन जो है, यानी कि साथी पहल अब सभी केंद्रों पर जो है हर दिन छुट्टियों को छोड़कर कम से कम 4 घंटे के लिए निश्चित शाखाओं में अपनी सेवाएं प्रदान करेगी, जबकि बैंक अधिकारी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए ग्राहकों के उनके घर तक जाएंगे। उद्देश्य क्या है? इंडियन बैंक की आईबी साथी योजना का उद्देश्य जो है बिजनेस रूट के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में ग्राहकों के लिए एक एकीकृत पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करना है। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो विश्व बांस दिवस जो है 18 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार की औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 अनुदान देने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार के औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को जो है 50,000 अनुदान देने की घोषणा की है। हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? तो पायल छाबड़ा बनी है पैरा कमांडो बनने वाली पहली आर्मी सर्जन। हरियाणा के कैथल की रहने वाली मेजर पायल छाबड़ा ने पैरा कमांडो बनकर इतिहास रच दिया है। वह जो है सेना में सर्जन पद पर रहते हुए पैरा कमांडो बनने की परीक्षा पास करने वाली पहली महिला बन गई हैं। हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है? तो भारत देश ने जीता है 8वीं बार एशिया कप खिताब। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी? तो महाराष्ट्र राज्य जो है नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी। हाल ही में कहाँ पहली बार दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है पहली बार दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित। हाल ही में गीता मेहता का निधन हुआ, वे कौन थे? तो गीता मेहता जो है एक लेखिका थी और नवीन पटनायक की बहन थी। हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो कार्लोस सैंज ने जीता है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी? तो पंजाब सरकार जो है अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। हाल ही में कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो वीरभूमि में जो स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है। हाल ही में काजी फैज ईसा की देश में किस देश के जो है 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो काजी फैज ईसा जो है पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में किसे फ्रांस का सेवेलियर डी एल ऑडे डेस ऑर्डर्स एडिस डेस लेटिस पुरस्कार मिला है? तो राहुल मिश्रा को मिला है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। हाल ही में इलावेलिन वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में सीबीआई के महा उपनिरीक्षक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के महा उपनिरीक्षक के रूप में जो है कुलदीप द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में पेंगुइन रैंडम हाउस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? निहार मालवीय को नियुक्त किया गया है। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है?
तो प्रसार भारती के साथ समझौता किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित किया है? तो कनाडा के जो है राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना के क्रियान्वयन का आदेश जारी किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना के क्रियान्वयन का आदेश जारी किया है। हाल ही में NHAI ने कहा MMLP विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बेंगलुरु में जो है विकसित करने के लिए समझौता पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में किया है उद्घाटन। हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का निर्माण किसने किया? तो अपूर्व चंद्रा ने किया है। हाल ही में कहाँ स्थित होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो बेलूर में स्थित होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD कहाँ खोली गई है? तो ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD जो है दिल्ली में खोली गई है। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों की अदला बदली की है? तो अमेरिका और ईरान ने जो है 5 कैदियों की अदला बदली की है। हाल ही में किसे दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो धनंजय जोशी को नियुक्त किया गया है DIPA का अध्यक्ष। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पुराना संसद भवन का क्या नाम सुझाया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पुराना संसद भवन का नाम जो है संविधान भवन नाम का जो है सुझाव दिया है। हाल ही में कहा 3 साल बाद गांधी वॉक फिर से शुरू हुआ है? तो 3 साल बाद गांधी वॉक जो है फिर से जोहान्सबर्ग में चालू हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के जो है जोहान्सबर्ग शहर के लेनासिया उपनगर में रविवार को वार्षिक गांधी वॉक के 35वें संस्करण का आयोजन किया गया। 6 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में 2000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। हाल ही में रक्षा और विज्ञान पर भारत और मलेशिया के बीच 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो रक्षा और विज्ञान पर भारत और मलेशिया के बीच जो है 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। हाल ही में 19वें एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 19वें एशियन गेम्स का आयोजन जो है चीन में किया जाएगा। एशियन गेम्स के 19वें सीजन की शुरुआत 23 सितंबर से हो रही है चीन के हांगझाऊ शहर में। 8 अक्टूबर तक जो है गेम्स होंगे। हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में शुरू हुआ है। 15 से 17 सितंबर 2023 को वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण नवी मुंबई की फांसी में शुरू हुआ। यह 3 डिप्लोमा प्रोग्राम और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की सहायता कंपनी स्पाइस बोर्ड इंडिया द्वारा कई बिजनेस इंटरचेंज और कॉमनवेल्थ प्लेटफॉर्म को के सहयोग से जो है आयोजित किया गया था। भारत को दुनिया का स्पाइस बाउल भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का उद्देश्य जो है भारतीय कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नए अवसर प्रदान करना है। हाल ही में कहाँ दुर्लभ धातु वैनेडियम पाया गया है? तो गुजरात में पाया गया है। गुजरात तट पर दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई है। वैनेडियम कच्चे तेल, कोयला, तेल सेल और टार तेल जैसे कार्बन युक्त जमाओं में होता है। वैनेडियम के सबसे बड़े संसाधन जो है दक्षिण अफ्रीका और रूस में पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में चीन दुनिया का शीर्ष स्थान पर जो है वैनेडियम उत्पादक
बना हुआ है। हाल ही में किस देश की सरकार ने 544 जिलों में आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू में की गई है। पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है लीमा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश में किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की गई है। हाल ही में जारी ICC ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? तो मोहम्मद सिराज बने हैं। मोहम्मद सिराज वनडे में दुनिया के नंबर वन गेंदबाज बन गए हैं। हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो दिल्ली में शुरू हुआ है। 14वां वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है आज दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन का विषय जो है युवाओं को सशक्त बनाकर उनके भविष्य का निर्माण करना है। सम्मेलन का उद्देश्य देश में उद्योग आधारित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने पर जो है ध्यान केंद्रित करना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 21 साल से कम उम्र के लोगों का जो है हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है? तो कर्नाटक राज्य ने लगाया है। कर्नाटक में 21 साल से जो है कम उम्र वाले नहीं लगा सकेंगे जो है अब सिगरेट और हुक्का बारों पर। तो इसमें जो है 21 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है सिगरेट हुक्का और तंबाकू प्रोडक्ट खरीदने में जो है बैन कर दिया गया है। पहले जो है 18 साल था लेकिन उसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया गया है? तो व्यापारी कल्याण दिवस जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है। दानवीर भामा शाह की जयंती को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर चुकी योगी सरकार जो है अब इस दिन विशेष को जो है यादगार बनाने के लिए प्रत्येक जिले में 29 जून को इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करेगी। व्यापारी कल्याण दिवस पर हर वर्ष लखनऊ में आयोजित होने वाले समारोह में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले व्यापारी को भामा साहब पुरस्कार से भी सम्मान दिया जाएगा। हाल ही में नुआखाई जोहार त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ओडिशा राज्य में मनाया गया है। 20 सितंबर को ओडिशा में लोगों की हर्षोल्लास के साथ नुआखाई त्यौहार मनाया गया है। नुआखाई राज्य में एक वार्षिक फसल उत्सव है जो नए चावल के मौसम के आगमन का प्रतीक है। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में किस देश में आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इंडोनेशिया ने शुरू किया है। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच इंडोनेशिया ने शुरू किया है आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास। दक्षिण पूर्व एशिया देशों के संगठन के देशों की इकाइयों ने पहल की में जो है इंडोनेशिया के दक्षिण नाटुका सागर में अपने उद्घाटन संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। हाल ही में किस कंपनी ने ICC विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो एडिडास ने की है। एडिडास ने जारी की जो है टीम इंडिया की जर्सी, यानी कि ICC विश्व कप 2023 के लिए होम जर्सी का अनावरण एडिडास ने आगामी ICC विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी का खुलासा किया है। आगामी टूर्नामेंट भारत के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि वे पहली बार जो है अकेले एक दिवसीय विश्व कप की मेज़बानी करेंगे। हाल ही में किसके नया ब्रांड यानी कि डैनी स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? तो दीपक चाहर ने लॉन्च किया है डैनी स्पोर्ट्स। हाल ही में थियरी माथो ने भारत में किस देश के दूत के रूप में कार्यभार संभालना है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 21 सितंबर को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने के लिए एक साथ जो है पूरी दुनिया आती है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन द्वारा स्थापित यह दिन शांति, अहिंसा और संघर्ष समाधान के लिए हमारी प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। 2023 के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम जो है एक्शंस फॉर पीस ओवर एम्बिशन और फॉर द ग्लोबल गोल्स है। यह विषय शांति को बढ़ावा देने में जो है हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को जो है वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस जो है हर साल 22 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियों जैसे ब्लैक राइनो, राइनो और वाइट राइनो, ग्रेटर एक सिंह वाले राइनो, सुमात्रा राइनो और जावन राइनो की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? तो वाराणसी में जो है भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर 2023 को जो है वाराणसी का दौरा करेंगे। दोपहर यानी कि किए और लगभग 1:30 बजे प्रधानमंत्री ने वाराणसी में भगवान शिव थीम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। रिंग रोड के किनारे स्थित स्टेडियम को जो है 30.6 एकड़ में अनुमानित लागत 400 करोड़ के से जो है बनी जाने की योजना की है। इसमें 30,000 दर्शक के बैठने की क्षमता होगी। स्टेडियम का निर्माण अगले 30 महीने में होने की संभावना है। इस दौरान BCCI के अधिकारियों के भी जो है इस जनसभा में शामिल होने की संभावना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? तो असम राज्य सरकार ने किया है। असम सरकार मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान के शुभारंभ के साथ अपने युवाओं के लिए सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के एक नए युग की शुरुआत करने की तैयारी की है। हाल ही में कौन 2027 में सीमेंट की रसायन विज्ञापन पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो भारत देश करने वाला है। भारत ने 2027 में नई दिल्ली में केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर जो है प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि ICC की मेजबानी की बोली प्राप्त की है। हाल ही में ICMR ने कहा निपाह वायरस का पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट को मंजूरी दी है। तो केरल राज्य में जो है निपाह वायरस ने हाहाकार मचाया है, इसलिए जो है इसको लेकर केरल के कोझिकोड जिले में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज 24 सितंबर तक जो है बंद कर दिए गए हैं। निपाह वायरस संक्रमण से निपटने के में जो है मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने ट्रूनेट जांच की अनुमति दी है। इसके तहत जो है कुछ अस्पतालों में सचल स्मार्ट चिप आधारित और बैटरी से संचालित RT-PCR किट से जाँच की जा सकेगी। हाल ही में प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई हैं? तो प्रमिला मलिक जो हैं ओडिशा राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित की गई हैं। ओडिशा की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री प्रमिला मलिक राज्य विधानसभा की महिला यानी कि पहली महिला अध्यक्ष बनेगी। सत्तारूढ़ बीजू जनता दल यानी कि बीजद ने बुधवार को अध्यक्ष पद के लिए मलिक का नाम नामांकित किया। अध्यक्ष पद पर चुनाव 22 सितंबर को विधानसभा के मानसून सत्र के उद्घाटन दिवस पर होगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है? तो ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में आयोजित 5 दिवसीय यूपी
इंटरनेशनल ट्रेड शो के शुभारंभ के अक्सर पर जो है अवसर पर प्रदर्शनी को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ग्रोथ की उपलब्धि सराहनीय है और प्रदेश न सिर्फ भारत में सबसे तेजी से बढ़ती हुई राज्य अर्थव्यवस्था है बल्कि देश के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के संकल्प को पूरा करने में यूपी का अहम योगदान है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने जो है विधेयक पेश किया है। हाल ही में किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है? तो वॉल्वो ने लिया है डीजल कार पर जो है डीजल कार का जो है उत्पादन बंद करने का निर्णय 2024 तक। वॉल्वो 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद कर देगी, पूरी तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता बनेगी। ऑटोमोटिव उद्योग में एक प्रमुख नाम वॉल्वो कार्स ने जो है हाल ही में ये भूतपूर्व घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के किर्टेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो पश्चिम बंगाल के किर्टेश्वर गांव को मिला है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कटेश्वरी गांव को जो है केंद्र द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। उन्होंने बताया कि गांव ने यह सम्मान हासिल करने के लिए 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त 795 आवेदनों को पीछे छोड़ दिया है। यह चयन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2023 में से हुआ है। 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जो है 795 आवेदन प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो अमेरिका के जो है राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के अमेरिका के राजदूत एरिक गास्ट्री ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह यानी कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024 के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को बाइडेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजारोहण किसके द्वारा मनाया जा हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजारोहण जो है लवलीना बोरगोहेन और जो है हरमनप्रीत सिंह ये भी दोनों ने जो है दोनों को बनाया गया है। हाल ही में कौन से राज्य सरकार सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है सचिवालय के कार्यों में तेजी लाने और फाइलों का उत्तरत्व और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक टैक्स प्रणाली शुरू करने जा रही है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स शुरू हुआ है? तो सिंगापुर के साथ शुरू हुआ है। भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री अभ्यास आज से शुरू हो रहा है। दो चरणों में आयोजित ये अभ्यास जो है सिम्बैक्स इस महीने की 24 तारीख तक चलेगा। हाल ही में विश्व गैंडा दिवस मनाया गया हाल ही में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई है? तो वियना में हुई है। भारत ने वियना में एक तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा बुलाई गई दो दिवसीय बैठक में भाग लिया। एक बैठक जम्मू कश्मीर के किशनगंगा और रतले पनबिजली परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के समाधान के उद्देश्य से कार्यवाही का हिस्सा थी। सिंधु नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन के माध्यम से जो है बहती है। इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं
व्यापम के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार जो है रिपीट होते हैं सिंधु नदी से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 को हुआ था। सिंधु नदी में कौन सी सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर है। सिंधु में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी है। चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह दो धाराओं जैसे कि चंद्रा और भागा से बनी हुई है, जो हिमाचल प्रदेश में केलांग के पास तांडी में जो है शामिल हो जाती है, इसलिए यह चंद्रभागा के नाम से भी जानी जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जो है ये यानी कि चिनाब नदी 1180 किलोमीटर के लिए बहती है भारत में। सिंधु नदी की कौन कौन सी पांच सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी की पांच सहायक नदियां जो हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में नवजात शिशुओं के लिए तत्काल जन्म पंजीकरण शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में एक नई सुविधा शुरू की गई है जिसमें जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं को तत्काल जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। माता पिता को अब जो है किसी भी ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया है। हाल ही में किस देश ने भारत में अपना राजनयिक मिशनों यानी कि मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? तो कनाडा ने की है। हाल ही में कनाडा सरकार ने कनाडा की भूमि पर एक प्रमुख सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका होने का आरोप लगाते हुए एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को जो है देश से निष्कासित कर दिया। तो जवाबी प्रतिक्रिया में भारत ने एक बयान जारी कर मामले में जो है किसी भी संलग्नता से इनकार किया और इसमें भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को भारत ने भी निष्कासित कर दिया। तो राजनीतिक संबंध हम देखते हैं भारत और कनाडा के बीच में। तो भारत ने कनाडा के साथ अपनी स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो है वर्ष 1947 में लोकतंत्र के साथ संबंध स्थापित किए थे। हाल ही के समय में जो है भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार प्रति वर्ष $6 बिलियन का था और कनाडा में भारतीय निवेश का मूल्य $4 बिलियन से अधिक था। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक लगभग $3,306 मिलियन के कुल निवेश के साथ कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। तो 600 से अधिक कनाडाई कंपनियां भारत में उपस्थित रहती हैं और 1000 से अधिक कनाडाई कंपनियां भारतीय बाजार में सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं। हाल ही में कहां दुनिया का सबसे पुराना देवदार के पेड़ मिलने का दावा किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश यानी कि सॉरी जम्मू कश्मीर में देवदार पेड़ का मिलने का दावा किया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 54 फुट तने और 35 फुट व्यास वाले देवदार पेड़ का जो है पेड़ मिला है, जिसका नाम जो है इंग्लिश में वुड ऑफ गॉड्स नाम से भी जाना जाता है। जल्द इस पेड़ की उम्र का पता लगाने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कहा गया है। वहीं ये कोशिश भी हो रही है कि इस पेड़ के कारण चांतीवाला को विरासत स्थल घोषित किया जाना चाहिए। हाल ही में अगस्त 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो प्लेयर ऑफ द मंथ जो हैं बाबर आजम और आर्लिन कैली दोनों बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के अगस्त 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किए गए हैं। आयरलैंड की आर्लिन कैली और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को अगस्त 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यानी कि ICC के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान में ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेगर बारकेल जी हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित ऑर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो स्वाति नायक को प्रदान किया गया है। स्वाति नायक वर्तमान में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करती हैं और फिलीपींस में जो है स्थित CGIAR अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान
में बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन के लिए दक्षिण एशिया के नेतृत्व का पद रखते हैं। चावल की खेती में क्रांति लाने के लिए उनके समर्पण और प्रतिबद्धता ने जो है उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार चयन जूरी ने से जो है यह प्रतिष्ठित प्रशंसा अर्जित की है। उन्होंने 500 से अधिक चावल की किस्मों के लिए 10,000 से अधिक ऑन फॉर्म और तुलनात्मक परीक्षण और भागीदारी मूल्यांकन का आयोजन किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, तो नई दिल्ली में करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजधानी दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन जो है 23-24 सितंबर 2023 को होगा। उद्देश्य क्या है? देश में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में उभरते हुए कानूनी रुझान, सीमा पार के अनुपात, कानूनी तकनीकी और पर्यावरण कानून आदि विषय पर चर्चा होगी। हाल ही में अडानी ग्रुप को किस राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका मिला है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका मिला है अडानी ग्रुप को। गौतम अडानी समूह को महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका मिला है। उसे जो है 13,888 करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 2 ठेके सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी से मिले हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए नए सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? तो यूक्रेन के लिए जो है सुरक्षा सहायता की घोषणा की है अमेरिका ने। अमेरिका विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जो है यूक्रेन के लिए एक नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कला क्रांति मिशन के लोगों का अनावरण किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास जो है आयोजित की गई है? तो सिंगापुर के साथ आयोजित की गई है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पलक शर्मा को सम्मानित किया गया है। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत जो है 1994 में 19 वर्ष या उससे कम आयु के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार के लिए जो है 1,00,000 रुपये जो है दिए जाते हैं विजेता को। हाल ही में नदी उत्सव का 4th संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो नदी उत्सव का 4th संस्करण जो है दिल्ली में शुरू हुआ है। 4th नदी उत्सव का आयोजन 22-24 सितंबर तक जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली के राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्रण मिशन द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का 4th राज्य बना है? तो त्रिपुरा बना है। देश के किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से जो है 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो SBI बैंक ने जुटाए हैं। भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने 4th इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए जो है हाल ही में 7.49% ब्याज पर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तेलंगाना में किसे SC ST आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो बंकी वैकंटिया को जो है नियुक्त किया गया है ST SC के आयोग के जो है नए अध्यक्ष। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बंकी वैकेंटिया को राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस वर्ष किस तारीख को नेशनल सिनेमा डे मनाने की घोषणा की है? तो 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे मनाने की घोषणा की है। इस वर्ष मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 13 अक्टूबर 2023 को नेशनल सिनेमा डे के दिन के तौर पर जो है मनाने की घोषणा की है। हाल ही में किसने गुजरात कॉनेक्स 2023 का उद्घाटन किया है? तो भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में गांधीनगर में गुजरात कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित गुजरात कॉनेक्स 2023 का उद्घाटन किया है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, यानी कि साप्ताहिक करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा।
और ऐसे ही डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।